इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा एक कम्युनिटी पोस्ट की तरफ जो कि मैंने कल डाला था और अगर आपने अभी तक देख लिया है तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, ठीक है, एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ व्हाई मर्चेंट नेवी इज़ परफेक्ट जॉब, यू नो व्हाई इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब। सो बेसिकली इसमें कुछ पॉइंट्स आपको देने हैं, आप अपने पॉइंट्स दे सकते हो कमेंट सेक्शन में और अगर मुझे पॉइंट्स अच्छे लगे इंप्रेसिव लगे तो मैं आपको क्रेडिट भी दूंगा। तो और साथ ही साथ अगर आपके प्रूवन फैक्ट्स हैं, ठीक है, मतलब प्रूव करके आप दिखा रहे हो आर्टिकल वर्टिकल आपके पास कुछ है तो आप उसे टेलीग्राम में भेज सकते हो, ठीक है। और मैंने कल आंसर चेक किया, बिलीव मी बहुत बड़े बड़े आंसर आपने लिखे हैं जिससे आप पता चलता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं। और यू नो कभी कभी ऐसी डिस्कशन जरूर होनी चाहिए, ठीक है, सब्सक्राइबर्स के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कुछ और हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप मैंने जस्ट आपके लिए बनाया है, आपको बता दूं कि मैं बहुत बड़ा शौकीन नहीं हूं टेलीग्राम ग्रुप का और चैनल का, बट देख सकते हो जस्ट 10 दिन हुए, मतलब 10-12 दिन ही हुए और आप देख सकते हो 240 सब्सक्राइबर्स यहां टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ चुके हैं जो कि बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ इसमें हमने फिर क्या किया, एक ग्रुप भी ऐड किया और इस ग्रुप में आप अपने सवाल पूछ सकते हो, ठीक है, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको एक्सपीरियंस कैडेट्स आपको यहाँ पर आपके आंसर करेंगे जिससे यू नो आपको ज़्यादा हेल्प हो सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कोई मटेरियल नहीं मिलने वाला है, मैं आपको बता दूँ जो भी आते हैं ना ये मटेरियल के लिए नहीं, मटेरियल आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। मैं हमेशा नॉलेज को प्रीफर करता हूँ तो नॉलेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आपको कभी कभी टास्क भी दे देता हूँ। टास्क देने का मतलब है कि जैसे कि हो गया, देखो ऊपर रुको, आने दो आने दो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैसेज हो चुके हैं, ठीक है, तो हम चलते हैं इसमें। तो टास्क की बात है, जैसे कि कैप्टन फिलिप की मूवी सजेस्ट की थी मैंने और साथ में एक डायग्राम को रेफर करके आपको देखनी थी, तो ऐसे टास्क आपको दिए जाएंगे जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, ठीक है, मतलब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बने। और देख सकते हो आप ये आर्टिकल है, लड़के ऑल ह्यूमन क्रू ऑफ एमटी सुराना कृष्णा मिक्स सिस्टी, सो ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगे इस ग्रुप और चैनल में। सो आशा करता हूँ आप इसे ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसकी दे दूंगा। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज एजे एंड टुडे वी आर गोइंग टू फिल टीएस रहमान फॉर्म, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का जो फॉर्म है उसको आज हम भरेंगे। और सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल क्रोम में जाएं, ठीक है, राइट नाउ सही बताऊं तो जो मेरा लैपटॉप है उससे उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट फ्रॉम माय मोबाइल। सो यू कैन सी, सबसे पहले आपको टी एस रहमान डालना है गूगल में, जैसे आप सर्च बार में टी एस रहमान डालोगे देन आपको यहाँ पर नीचे में एक साइट मिलेगी tsrahman.org, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज खुलता हुआ मिलेगा और ये पेज आप देख सकते हो, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है टी एस रहमान के बारे में, ठीक है, मतलब ये पढ़ने को तो आप पढ़ सकते हो, वो 110 साल हो चुके हैं और एक एफिलेटेड इंस्टीट्यूट है, तो ऐसा नहीं है कि कोई यू नो प्रॉब्लम आने वाली है आपको। तो इसमें बेसिकली आप अगर पढ़ना चाहते हो इसके बारे में तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं सीधे आपको बता देता हूँ फॉर्म कहाँ से भरना है आपको। प्री सी बुकिंग या एडमिशन आपको इस पर क्लिक कर देना है, जो पहला वाला, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देन आपके पास बहुत से कोर्स खुलते हुए मिल जाएंगे। देखो प्रीफेस इसका डिफरेंट है मोबाइल में, अगर आप खोलोगे इसे लैपटॉप में तो थोड़ा डिफरेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो चौथा पॉइंट है आप देख सकते हो 1 ईयर प्री सी टेक कैडेट कोर्स, तो यही है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का। और इसकी अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, आपको पता ही होगा 1 साल का है। और रजिस्ट्रेशन ओपन डेट आप देख सकते हो 8 जून को, ठीक है, और जो इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज डेट है वो है 7 जुलाई, तो टाइम आपके पास काफ़ी है, ठीक है। और 2 अगस्त से इसका एकेडमिक स्टार्ट डेट है, लेकिन ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि मतलब कोरोना के केसेस कैसे हैं और IMUCT की अपडेट पे ये डिपेंड करता है। तो आपको क्या कर देना है, अप्लाई यहाँ पर कर देना है। जैसे आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी, तो इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यू पे ऑनलाइन फीस ऑफ 700, ठीक है, 700 रुपये का आपका ये ऑनलाइन फॉर्म है। अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ 17 से 25 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। आपके जो रिलैक्सेशन है वो SC ST को दी गई है 5 साल का, और गर्ल्स के लिए नहीं है क्या, नहीं है इसमें, तो OBC के लिए 3 साल का है, ठीक है। तो इसके लिए वैसे आपको अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं OBC NCL के या जो भी हैं, ठीक है, SC ST के सर्टिफिकेट तो आपके पास वो होने चाहिए, ठीक है। देन हम बात करते हैं PCM की बात, तो PCM में जो आपकी 12th है वो 60% आपकी मिनिमम होनी चाहिए और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में 12th में होने चाहिए, ठीक है। और इसमें एक बढ़िया चीज़ क्या है कि जो अपीयरिंग है ना, अभी 12th अपीयरिंग जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं भरा है और आप 12th में तो आप बिल्कुल इसे भरें। साथ ही साथ एडमिशन सब्जेक्ट टू स्पॉन्सिव लेटर, ठीक है, जो आपका एडमिशन होगा वो पूरा डिपेंड करेगा आपके स्पॉन्सिव लेटर में, मतलब ऑफर लेटर जो लास्ट में मिलता है ना तो उस पर डिपेंड करेगा। ये लिखा हुआ है कोर्स फीस अगर आपने एक बार पे कर दी देन वो रिफंड नहीं होगी, ठीक है, एंड ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मतलब आपने एक बार अगर इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया देन उसके बाद आपको वापस नहीं मिलेंगे आपके रुपये।
फिर हम बात करते हैं, आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं हमेशा बताता हूँ, पासपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करूँ ना, तो इसकी फ़ीस वन ऑफ द यू नो लाइक सबसे लोएस्ट फीस कह सकते हैं, वन ऑफ द लोएस्ट फीस इन ऑल द एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स, 3,55,000, और बहुत रीज़नेबल फीस है इसकी, ठीक है। वरना अगर आप दूसरों से कंपेयर करोगे तो 5,00,000-8,00,000 आपको देखने को मिलती है। तो आई एक्सेप्ट पे आप क्लिक करोगे, देन आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा, ठीक है। और आप ये देख सकते हो कैंडिडेट की फ़ोटो आपको यहाँ पे डालनी है, फिर आपका एप्लीकेशन डेट हो गया, ठीक है, जो कि खुद से होगा वहाँ अपडेट, अकेडमिक ईयर हो गया आपका, बहुत सी चीज़ें तो पहले खुद से ही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको भरने, पहले से ही ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, और फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको डालना है अपना, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, बर्थ प्लेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हो गया आपका, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो गई आपकी, ठीक है। आप 12th अपने क्लियर कर दिया है तो, अदरवाइज आपने कोई डिप्लोमा किया है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आपका रिलीजन हो गया, आपका का रिलीजन कौन सा है, फिर कास्ट कैटेगरी हो गया, और कास्ट कैटेगरी में ना ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो, सपोज करो देखो आप SC ST में या OBC में कोई भी यू नो सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपका उसका सर्टिफिकेट नहीं है ना, देन आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है IMU CT के जो फॉर्म भरने होते हैं उस टाइम पे भी, और एडमिशन के दौरान भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, और अगर आपकी जनरल है तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। लास्ट स्कूल अटेंडेड, तो यहाँ पर आप उसका नाम लिख सकते हो, इंडोस नंबर, तो ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इंडोस नंबर बेसिकली आपको जनरेट करना पड़ता है, तो ये कंपलसरी नहीं है। और नेक्स्ट अगर मैं करता हूँ, ठीक है, वैसे मुझे पहले ये भरना पड़ेगा, तो यही है बेसिकली ऑनलाइन फॉर्म, और आगे जो होंगी वो सिंपल चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि इसके बारे में कुछ और अगर देखने को मिलेगा साइट में, ठीक है। यहाँ से आप BSc कर सकते हो वैसे, ठीक है, BSc नॉटिकल साइंस आप कर सकते हो, और साथ ही साथ इसकी फ़ीस की बात करूँ तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। साथ ही साथ अगर कंपनी की बात करूँ, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा, कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ पर आती है, तो हम इसमें कभी भी ना श्योर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी कंपनी इसमें आ रही है। इसके आपको ये जो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दी है, ठीक है, कंपनी की देख सकते हो आप, देख सकते हो, ठीक है। तो इनमें कंपनियाँ बाहर से आती हैं बेसिकली, और अब कोई अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर कंपनी आने वाली है, तो आई डोंट थिंक सो, ये एक बहुत यूज़फुल आपके लिए हेल्प हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ना कंपनियाँ डिपेंड करती है, कभी कोई आ जाती है, कभी कोई आ जाती है। लेकिन जैसे कि आपको गुडवुड देखने को मिल सकती है, आपको सिनर्जी देखने को मिल सकती है, आपको वरेन मरीन आपको देखने को मिल सकती है, तो ऐसी कंपनियाँ यहाँ पर आती हैं। बट अगर आपको यहाँ पर फ्लीट से मिल जाती है, गुडवुड से मिल जाती है, सिनर्जी से मिल जाती है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर एडमिशन लें, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि यहाँ पर फिक्स नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार पूछा भी था पिछले टाइम पे, मैं पिछले टाइम वीडियो बना रहा था, तो मुझे बताया था कि भैया यहाँ फिक्स नहीं होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पर कभी भी कोई भी आ सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और 3,55,000 के अंदर आप DNS कोर्स ट्रेनिंग से प्रमाण से कर सकते हो, और साथ ही साथ एक अच्छी आप स्पॉन्सिव कंपनी से ले सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो TS रहमान ज्वाइन करने की, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट जिनके भी अभी एग्ज़ाम होंगे।